स्वागत है सर आपका। अब ये नागरिकता पर जो धर्म युद्ध हो रहा है, ये बताइए, वो बार बार ये बात कह रहे हैं और इसका लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाई हमने मैनिफेस्टो में डाला, हम जीत कर आए, हमने पार्लियामेंट के जरिए इंप्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जा भी रहे हैं कुछ लोग, तो फिर ये हिंसा क्यों, बवाल क्यों? कौन हिंसा कौन करा रहा है? हिंसा विरोध तो अगर लोगों के मन में कोई शंकाएं हैं, चाहे वो असम में हो, बाकी जगह नॉर्थ ईस्ट में हो, छात्रों में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, तो इसमें राजनीति का क्या मतलब है? नहीं, एक तो असम का विरोध अलग है और यूनिवर्सिटी वाला विरोध अलग है, दोनों के पॉइंट ही अलग है। नहीं देखिए, अलग होंगे या नहीं होंगे, ये तो छात्रों के बीच हो रहा है ना, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। आप नहीं करवा रहे? हम क्यों करवाएंगे, हम पागल हैं क्या करवाएंगे ऐसे काम? अरे भैया, हम देखिए, जब विरोध होता है तो वो पीसफुल होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक नहीं दल नहीं चाहेगा कि हिंसा का वातावरण बने, और ये किसी को आरोप लगाना कि हम करवा रहे हैं, कि आप उनके कदमों पे गोली चला रहे हैं, आपके फॉर्मर ये सब बातें ये राजनीति की बातें होती हैं। नहीं, पर आपके फॉर्मर एमएलए का नाम अगर एफआईआर में आएगा तो राजनीति की बात कैसे होगी? अरे भैया, आपका फॉर्मर एमएलए का नाम आएगा, मैं 50 नाम आपको गिन देता हूं जो उनके लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे वो बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी खुद क्या बयान दे रहे हैं कि कपड़ों से पहचान पाते हैं कि कौन ये करवा रहा है। ऐसे को जिस पद पे वो बैठे हैं, आपको लगता है कि उस पद में बैठकर ऐसे बयान देने चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी खुद ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आप हम पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आपकी ये बात है तो आप अपनी बात समझा तो पा नहीं रहे हैं। बार बार आपको जनता जो है आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये तो आप भी कौन नहीं कर रहा एक्सेप्ट? इलेक्शन और क्या होता है? अरे भैया, फिर आप आप कानून की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की बात कर रहे हैं? कानून की पहले हाँ, समझ लीजिए। इलेक्शन हम हार गए, वो स्वीकार है हमें, ठीक है ना। हम विपक्ष पे बैठे हैं, नंबर भी कम है, और वो अपनी मेजोरिटी से कोई भी कानून पारित करा सकते हैं, ठीक है। अगर मेजोरिटी से कानून पारित हो गया, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो संवैधानिक है। तो वो फिर प्रोटेस्ट समझ लीजिए। समझ रहा हूं, संवैधानिक है। अगर मैं कहूं कि असंवैधानिक है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि मैं नहीं तय करता कि संवैधानिक है या नहीं है। बिल्कुल, वो कानून तय, वो कोर्ट तय करता है। आज सुबह 60 पिटिशंस लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, 60 याचिकाएं लगी थी। आई ओपन द केस, ठीक है ना। वो अब 22 जनवरी को उसकी तारीख लगी है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा संवैधानिक है या नहीं। इस बीच में जो शंकाएं, अब लोगों के मन में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद नेशनल लेवल पे एनआरसी होगा, 130 करोड़ लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं, वो तो कह रहे हैं एनआरसी होगा। अरे मैं आपको पूछ, लोगों के मन में क्या बातें, मैं बता रहा हूं आपको ना, कि हमें भी पता चलता है ना कि भाई अगर आज के दिन एक देहात में एक गरीब औरत के पास, गरीब परिवार के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो तय करें कि वो यहाँ के नागरिक हैं या नहीं, किसके पास ऐसे दस्तावेज हैं? तो विरोध एनआरसी का है या सीएए का है? हाँ, विरोध एनआरसी का है या मुझे नहीं पता ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो लोग समझते हैं। आपका विरोध किस पे? मेरा कहीं पे, हम तो कानून बनाया उसका विरोध कर रहे हैं। हम देखिए, ऐसा है, 2014 के बाद इनके पास जो इनकी प्राथमिकता क्या रही है, कभी ये घर वापसी की बात करते हैं, कभी ये लव जिहाद की बात करते हैं, फिर कभी ये 370 को खत्म करते हैं, फिर कश्मीर में ब्लॉकेट करते हैं, फिर ये एनआरसी असम में करते हैं। एनआरसी में अगर 19 लाख लोग हैं, उनमें से कुछ लाख लोग हिंदू निकल जाएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि ये एनआरसी ही गलत है, इसको दोबारा से होना चाहिए। फिर उनको नागरिकता देने के लिए ये सीएए लाते हैं, सीएबी, अब सीएए लाते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि हम एनआरसी सारे देश में लगाएंगे। फिर इसके बाद ये लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे भैया, हिंदुस्तान की समस्याएं क्या हैं? हिंदुस्तान की समस्या ये आज है कि आर्थिक स्थिति हमारी देश की देखो, व्यापार खत्म हो गया। अभी मेरे चांदनी चौक में जाओ, सब लोगों का व्यापार खत्म हो गया। विंटर में जो सेल होती थी वो सेल होती ही नहीं। हाँ, उधर किसान बड़ी प्रॉब्लम में है। अभी प्याज का दाम 200 रुपये तक पहुंच गया, सब्जियों का दाम इतना बढ़ गया है, मिल्क का
जो हमारा दूध है उसके दाम दो तीन रुपए तीन बार दाम बढ़े तो ये बात तो ये नहीं हाँ। मैं कहने का मतलब इनकी प्राथमिकता देश नहीं है, इनकी प्राथमिकता देश को देश के वातावरण को खराब करना है, क्योंकि इनसे इनको वोट मिलते हैं इसलिए ये राजनीति करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बातें बताई, चलिए एनआरसी वो असम वाला सुप्रीम कोर्ट ने किया, आप कह रहे हैं इन्होंने करवाया, इनकी प्राथमिकता जो भी हो, इन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी होगा क्या मतलब, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था। अरे अरे मैनिफेस्टो से लिखने क्या होता है, मैनिफेस्टो में लिखने से तो होता है। एक शख्स ने अभी तक तो हम ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टो की बातें नहीं कर रहे। वन सेकंड मैनिफेस्टो में देख दो कि मैं सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम को बाहर भेज दूंगा तो ठीक होगा, ठीक हो गया गलत होगा वो तो फिर मैनिफेस्टो के बाद इलेक्शन है तो क्या हुआ, और इलेक्शन के बाद कानून है, कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कानून तो कानून के नजरिए से देखा जाए ना, संविधान के नजरिए। अच्छा, आप इतना मानते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में जो भी था उसको आप काउंटर करने में विफल रहे, जनता काउंटर करने की बात ही नहीं है, अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो वो पारित कर नहीं, जब इलेक्शन हो रहे थे उसको तब काउंटर करने में विफल रहे आप, तो हम हार गए ना भैया। हाँ तो वो विफल रहे आप, तो इसका मतलब अगर हम हार गए तो सभी वो करेंगे जो सब ठीक है, नहीं वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं आप जनता तक आप अपनी बात पहुंचाने में विफल रहे, मैं समय रहे ना इसीलिए तो हारे, तो कौन कहता है नहीं हम सफल रहे यार, क्या कमाल की बात करते। अच्छा हो? तो आप विफल तो अजीब गरीब बात कर रहे हो आप, अगर हम हार गए तो बोले कि आप मान जाओगे हमारे यहां हार गए, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आप मान रहे हो कि अगर विफल रहे। अच्छा आप बिल्कुल यार विफल रहे तो आपके किस बात पे विफल रहे, आप क्यों विफल रहे ये पता है आपको? अरे भाई हम हार गए, हर तरीके से हार गए, आप क्यों विफल रहे, आप बात क्यों नहीं समझा पा रहे अपने लोगों को? देखिए ऐसा है ना कि नहीं समझा पाए ना, ये समझा रहे हैं ना, आप ये समझा रहे हैं ना बात अपनी, आप भी देखिए आपके चैनल भी समझ गई है कि आपको भी फोन वोन आ जाते हैं, मैं ना यही बात इनको समझा ना, आप डाइवर्ट ना करें, उद्योगपति डरा हुआ है, आप राहुल बजाज कहता है कि हम डर रहे हैं, लोग बोल नहीं रहे, हाँ जो यहाँ उद्योगपति हैं वो कुछ कह नहीं सकते, कभी ईडी भेज देते हैं, कभी विपक्ष को देश मजबूत देखना चाहता है। मान गया ना यार, कितनी बार कहूं आपसे कि हम हार चुके, हाँ वो तो मान गया, अब आगे क्या सवाल है? सवाल ये है कि उसके बाद आपने क्या सीखा? देखो वो जनता सीख रही है ना, उसके बाद जो हो रहा है वो जनता देख रही है, इसीलिए महाराष्ट्र में रिजल्ट थोड़ा इधर उधर का हुआ, इसीलिए बाकी जगह में भी ऐसा राजस्थान में भी हुआ, इसीलिए अब देखते हैं कि दूसरी जगह में क्या हो रहा है, झारखंड में देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ऐसा है कि ये देखो चलता रहता है, हमने दस साल में राज किया ना, अभी ये विपक्ष में बैठे थे ना जी, तो हमारी बात जनता ने मान ली जी, पांच साल इन्होंने राज किया, अब पांच साल और करने जा रहे हैं, जनता ने इनकी बात मान ली, अब इसमें कोई बवाल क्या खड़ा हो रहा है? बवाल ये कि आप अपनी बात सब आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, आप नहीं पहुंचा पाए भाई, नहीं मेरी बात सुनिए एक नैरेटिव यह है कि आपकी लीडरशिप जो है वो इसमें फेल रही, अब वो लीडरशिप बड़ी सफल हो रही है, और इनकी लीडरशिप कमाल है, इनकी लीडरशिप कमाल, मैं कहता हूं ऐसी लीडरशिप मैंने देखी नहीं, कम्युनिकेशन जो है प्रधानमंत्री बैठ के कहता है कि कपड़े से पहचान पाएंगे कि बंदा कौन है, मैं तो ऐसी लीडरशिप मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी लीडरशिप नहीं देखी जो सुबह उठते उठते उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। अरे भाई हिंदुस्तान को याद करो, हिंदुस्तान की जनता के बारे में सोचो, पाकिस्तान की जनता के बारे में क्यों सोचते हो सर? ऐसा लीडर तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप जो बात बोलते हैं वो पाकिस्तान में वायरल हो जाती है, बिल्कुल वायरल होती है, ये बात बोलते हैं तो सारे हिंदुस्तान में वायरल हो जाती है, वही तो इसीलिए आप ब्रांडेड हो चुके हैं, इसीलिए आपको ब्रांड कर दिया, देखिए आपको ब्रांड कर दिया कि आप जो हैं सिर्फ माइनॉरिटी के ही लीडर रह गए हैं। अच्छा नहीं ये ब्रांड नहीं, इन्होंने इनका कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, आप मानते हैं? मैं इनके कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, इनकी कम्युनिकेशन सफल हुई है, आपसे पूछ रहा हूं आप मानते हैं ये बात? मैं कौन होता मानने वाला? गुड, आप नहीं होते ना तो मैं आपको बताता हूं, बताता हूं कि महाराष्ट्र में ये रोज भाषण देते थे ना, यहाँ क्या हुआ महाराष्ट्र में, आप ही के चैनल बोलते थे कि इनकी इतने 280 300 सीटें आएंगी, क्या हुआ हार गए? उसके क्यों हारे? कम आ रहे जीते तो आप भी ये नहीं। जो आप कह रहे हो ना कि ये जनता की जनता इनकी बात मान चुकी है, जीते तो आप भी क्यों हारे? हरियाणा में क्यों हारे ना? हाँ बिल्कुल हारे, मोदी जी वहां जाते थे, रोज जाते थे, रोज भाषण देते थे, जनता इनको देखिए ऐसा है ना, वक्त लगता है, देखो हमें भी आपको समझने भी हमें थोड़ा सा बहुत वक्त लगता है, तो इनको भी समझने में जनता को थोड़ा बहुत वक्त लग गया है। मेरा ये कहना है कपिल सिब्बल साहब, ये कहा जाता है ना, एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि सड़क से संसद तक विरोध होता है तब विपक्ष खड़ा होता है, गुजारिश है आपसे कि अब लगता है कि स्टूडियो से सड़क से संसद तक, बट स्टूडियो ही सब तक एजेंडा बनाता है। हाँ तो स्टूडियो में आप डिबेट्स में आएंगे नहीं,
आप बोल रहे हैं कि हम डिबेट करेंगे नहीं उनसे और लोग मैंने बोला डिबेट करने को तैयार है। नहीं नहीं आप मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की बात कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कल ही मैंने बोला ये जो उन्होंने जब बयान दिया तो मैंने बोला आइए मेरे से वन टू वन डिबेट कीजिए, किसी मुद्दे पे भी कीजिए, आर्थिक मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा जो इनको रोज सुबह याद होता है। मेरा ख्याल है रात को पाकिस्तान के ये सपने देखते हैं, सुबह ये पाकिस्तान की बात करते हैं, इनको कोई और सोचता नहीं है। आप करिए डिबेट मेरे से, मैं आज चुनौती देता हूं किसी भी मुद्दे पे, कोई भी, लेकिन इनका कोई भी नेता प्रधानमंत्री तो खैर मेरे से नहीं करेंगे डिबेट, पता नहीं क्यों, लेकिन इनका कोई भी नेता मैं आज चैलेंज देता हूं डिबेट करें किसी इशू पर भी डिबेट। आपने हमें बताया तो हम यहीं बुला लेते। नहीं आपके साथ थोड़ी ना करेंगे। कहने का मतलब यह है, देखिए ये राजनीति में चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है। लक्ष्य देश का होना चाहिए कि कैसे हमें जनता के प्रति क्या काम करने हैं। पिछले 5-5.5 साल में हमने तो कुछ देखा नहीं। जीडीपी की ग्रोथ अभी आज मूडीज का जो आया है आंकड़ा कि हमारी ग्रोथ 4.5% रह जाएगी, 2020 में होगी ग्रोथ। तो देश कहां जा रहा है उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। और आप लोग भी चैनल पे यही घुमाते रहते हैं कि पाकिस्तान देखिए जो जो कांग्रेस कहती है वो वायरल हो जाता है। ये कोई मुद्दे हैं देश के सामने? आप गरीब से जाके पूछिए कि उसका हाल क्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये भी मुद्दे हैं और इन मुद्दों को आप जो ये कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे हिसाब से, मुद्दा नहीं है तो आप या तो आप पल्स नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप चैनल्स में देख लो शाम को यही मुद्दे चलते हैं। सर चैनल के मुद्दे छोड़िए ना, हम चैनल के रनडाउन नहीं बना रहे ना। वन सेकंड प्लीज अंडरस्टैंड यही चैनल आम जनता देखती है, इसी से ही विष फैलता है, इसी से ये सामाजिक विष फैलता है। अपनी बात रखिए, आप हमने रखी, आप दिखाते नहीं, आप पुरजोर तरीके से आप दिखाते नहीं भैया। हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप लोग दिखाते नहीं, हम दिखाते नहीं। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ जो आपके जो आई नेशन वांट्स टू नो ना, आप अभी चैनल पे लाइव चल रहे हैं आप अभी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ, नहीं मैं आपकी देखिए आप, हम एक... मैं भी आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कपिल से बाय एंड लार्ज विपक्ष की बात कर रहा हूं। बाय एंड लार्ज आपके चैनल हर बयान को तरोड़ मरोड़ के दिखाते हैं और ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे किसी एक दल को फायदा हो। सर चैनल विलन है, जनता समझ नहीं पा रही, आप अपनी कमियां तो देखिए ना। मैं तो कमियां हैं ना इसीलिए आपकी लीडरशिप आपने राहुल गांधी ने छोड़ दिया, अध्यक्ष पद छोड़ दिया कि भाई अब आप ये परिवारवाद है या जो भी है मेरे परिवार का लीडर देख लो ना यार। नहीं नहीं मैं राहुल अब देखिए उसके बाद आप रैली करते हैं वो फिर रीलॉन्च हो जाते हैं। लीडर इनका लीडर देख लो ना यार, इनका गृह मंत्री। अरे आप अपना देखिए ना, आप अपना संभालिए, आप अपना संभाल लेंगे तो विपक्ष खड़ा हो जाएगा। किस किस्म की भाषा बोलते हैं आप अपना देखिए। अभी रैली हुई वो फिर रीलॉन्च हो गए, वो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं वो नहीं हूं। अब ये मुद्दे भटकाने वाली बात नहीं है। क्या कहने वाली बात नहीं है? जिस सावरकर के लिए इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, आपको सावरकर का इतिहास मालूम है? बिल्कुल मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, इंदिरा गांधी को भी मालूम होगा ना, इंदिरा जी को भी मालूम होगा ना, आपको मालूम है इतिहास सावरकर? अरे सर आप सावरकर वहां अंग्रेजों से माफी मांगते थे कि मुझे रिहा कर दो, उसके पीछे के बहुत तर्क है। वन सेकंड, सावरकर टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। तो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी गलत बयान दिया, इंदिरा गांधी ने चिट्ठी गलत लिखी। इस देश में दो लोगों की सोच एक है, एक सावरकर की एक जिन्ना की, ये मैं नहीं कह रहा, ये अंबेडकर जी ने कहा है। तो ये तो आप उसको तो आप भारत रत्न देना दे, इंदिरा गांधी की चिट्ठी गलत छोड़ गलत है। देखिए ऐसा आप यहाँ मुद्दों की बात कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, देश के हित की बात कीजिए, क्योंकि यही जो मैसेज है जनता को जाएगा तो जनता और देश सही तरीके आगे से आगे बढ़ेगा। मैं सर सिर्फ आप मतलब कह रहा हूं, कहते हो मैं सिर्फ सर आपसे ये कह रहा हूं, आपको जैसे आपने वो कोर्ट में सवाल उठाया कि जो गुजारे रखी कि भाई राम मंदिर वाला फैसला टालना चाहिए, उसको यूज किया गया कि भाई आपकी पार्टी। मैंने सही कहा, मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैं आज भी मैंने कहा मैं सही कहा और हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद दिसंबर 2017 की बात है ये, ठीक है ना, उसके बाद तो 50 हियरिंग्स हो चुकी हैं, कौन रोक रहा था इसको सुनने के लिए? ये खुद नहीं सुनना चाहते थे, खुद सुनना नहीं चाहता था कोर्ट ने खुद कहा कि ये प्राथमिकता नहीं है हमारी। आप यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन कि वो नैरेटिव बनाना, एंकर लोग वो बात तो भूल जाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है और मेरा बयान मुझको याद दिलाते हैं वही काम करने के लिए जो आपको करना नहीं चाहिए। अब मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं,
यह समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा था नैरेटिव आपकी वजह से बन गया। नहीं नहीं कोई मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नैरेटिव बन गया कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है राम मंदिर का फैसला। नैरेटिव तो इन्होंने बनाना ही बनाना था, तो उनको रोकिए ना भी होता या नहीं तो आप ताकत दिखाइए, रोकिए उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कम्युनिकेशन में ताकत नहीं दिखा रहे अपनी। कम्युनिकेशन में अगर हम विफल रहे तो इसीलिए तो हारे ना भैया, इन्होंने पोलराइज करने में सफल हो गए, हम मानते हैं ये बात। तो कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं अजवानी साहब? आप भी अभी वही काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये यही काम अब आप कर रहे हैं। मैं उनका आरोप, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ, आप ये काम कर रहे हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, आप कीजिए। हाँ तो मुझे फेल कीजिए और अपने नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ फेल कीजिए, अपने विचार ऐसे रखिए कि लोग कन्विंस हों और विपक्ष मजबूत रख रहे हैं। मैं तो रख रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सही सवाल पूछो, देश के जो मुद्दे हैं उसके सामने के सवाल पूछो। आप वही घिसे पिटे सवाल, विवादित सवाल पूछने जा रहे हैं और पूछते रहिए, नुकसान आपका होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा सर। नुकसान देश का, अगर विपक्ष कमजोर है नुकसान देश का हो रहा है। हाँ विपक्ष कमजोर है नुकसान देश का हो रहा है। विपक्ष कमजोर नहीं है, आपको गलत फहमी है, विपक्ष कमजोर नहीं है और जनता कमजोर नहीं है। सबसे ताकतवर जनता नहीं बोला मैंने, विपक्ष बोला। नहीं मैं जनता की बात कर रहा हूं, जनता समझ चुकी है इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनता समझ चुकी है। तो अगली बार आप जीत जाएंगे? मुझे नहीं यार, अगली बार तो आप जनता समझ चुकी है तो आप जीतोगे भी नहीं। क्या जो आप आंकड़े दिखाओगे, पोल दिखाओगे, पता नहीं। मैं पोल नहीं दिखा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हो जनता समझ चुकी है तो फिर तो मैं क्या बोलूं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन हम प्रयास यूज करेंगे, जनता को समझाएंगे कि आपने पिछले 10 साल में, अब देखते हैं अगले 4 साढ़े 4 साल में क्या करते हैं, जनता को समझाएंगे कि आपने देख लिया है कि इन्होंने क्या किया है। कोई भी सेक्टर देख लो, किसी भी इकोनॉमी का सेक्टर देख लो, क्या उसमें हो रहा है ये जनता जानती है। जब जनता की पॉकेट में वो लगता है ना, खर्चा नहीं, पैसा नहीं होता ना, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो हुआ उसके बारे में तो आपने बात ही नहीं की, आप बात करते भी नहीं हो। और जो हमने दिखाया देश को, मैंने खुद जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन में जिस तरह से पैसा लूटा गया, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया, आप लोगों ने जनता को नहीं दिखाया। आज भी उसके जो सोशल मीडिया में 1 मिलियन व्यूज होने जा रहे हैं, लेकिन आपके चैनल ने एक बार नहीं उसको दिखाया सर। वो 12 मैं आप लोगों पे आरोप लगाता हूं। ठीक है, 12 मिलियन व्यूज होने जा रहे हैं, वो 12 मिलियन वोट ही ले लेते। वो बात नहीं है, 12 मिलियन वोट ले लेते आप मजबूत हो जाते। आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है, हमारे आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। की बात ना कीजिए ना, ये रियलिटी है। अच्छा मैं आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है, आपको देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। आप हम पे आरोप लगाता हूँ। हाँ ठीक है, आप मीडिया पे अटैक करते रहिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सही तरीके से जनता के और जो आप हैं इसलिए विपक्ष कमजोर हो रहा है, रखते ही नहीं। अच्छा ये रियलिटी है। एक मैं बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, आप बताइए कि एक वकील से येस और नो में जवाब लेना चाहता हूँ। मैं वकीलों से येस, वकील कभी येस और नो में जवाब देगा ही नहीं। हाँ तो इसलिए हम एक प्लेकार्ड मंगा लेते हैं। एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब बैठे हैं, कैसे मैं येस और नो में जवाब दूँ? तो आप बस प्लेकार्ड उठा दीजिएगा, आप बस प्लेकार्ड उठा दीजिएगा। चलिए हाँ चलिए, दिस इज द प्लेकार्ड, यस और नो। किस चीज पे यस? आई आस्क यू द क्वेश्चंस, जस्ट आई विल टेल यू व्हाटएवर आई कैन से आंसर द वे आई वांट टू, यू कांट टेल मी हाउ टू आंसर। टेल मी, आस्क द क्वेश्चन। अब आप कह रहे हैं कि जनता भूल ही गए थे। हाँ जनता समझ चुकी है। हाँ। तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आर्टिकल 370 बहाल हो जाएगा? फिर वही बात। हाँ या ना? फिर वही बात। हाँ या ना? फिर वही बात। फिर वही विवादित बात नहीं है। आप दोबारा 370 का सवाल पूछोगे? यस और नो? हाँ पूछूंगा। क्योंकि आपकी मानसिकता गलत है। नहीं क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हो, आपकी मानसिकता गलत है। आप दूसरा सवाल पूछ। अच्छा दूसरा सवाल भी मानसिकता मेरी वैसी है। देखिए पूछिए। पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों को देने क्या नागरिकता? क्या पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने? विदाउट का? किसने? विदाउट विदाउट रिलीजन का? हम पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। किसने पूछ रहा हूँ? अरे किसने कहा है? अगर आप सी आप, आप, आप चाहते हैं दे दें, यस और नो? अरे मेरे यस और नो? मैं सीए चाहते हो सरकार, आप सरकार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। यस और नो? आप मीडिया से लड़ रहे हैं या सरकार से लड़ रहे हैं? आप मीडिया से लड़ रहे हैं, सरकार जवाब दे रहे हैं? यस और नो में देनी चाहिए सर। सवाल मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए नहीं आप ऐसे सवाल आपको पूछने नहीं चाहिए। अच्छा चलो, आपको मालूम है कि ये सवाल बेबुनियाद है, गलत है, और इसमें आप एजेंडा देश का गलत तरीके से आगे ले जा रहे हैं। अच्छा मैं देश का तीसरा सवाल पूछिए। एक और सवाल जो देश के एजेंडा में शायद है नहीं, आपके एजेंडा में होना चाहिए। तीसरा पूछिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी से बेहतर अध्यक्ष हैं? आपको आप तय करोगे? अरे इसमें हंसने की क्या बात है,
इसके क्या बात है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में कौन बेहतर अध्यक्ष है? वो मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बेहतर अध्यक्ष है? वो पार्टी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा क्या फजूल बात नहीं है? मेरा काम फजूल पार्टी की तरफ से वो तब पार्टी तय करेगी। अच्छा, शिवसेना ने कहा, जो आपके साथी हैं अब, उन्होंने संसद में कहा कि वो देश में हिंदुत्व के हेडमास्टर हैं, ठीक है? कहा होगा? नहीं, वो है हेडमास्टर, कहो होगा भैया, उनसे पूछो। 2024 में आपका प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रियंका जी होंगी? पता नहीं कौन होगा, ये तो आपको पता चलेगा, कोई होगा पता जरूर होगा। आपके बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है क्या? आपके बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है? जरूर होगा, अगर आप समझते होगा होगा, हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो, हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, हो सकता है कि आपके ये चैनल के जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, शायद उससे फायदा हो जाए देश को, ओवैसी नुकसान भी हो सकता है। ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है? वो मालूम नहीं, आपको मालूम होगा, आपको इन्वेस्टिगेटर तो आप हो भैया, जहां हमें सवाल देने वहां सवाल, क्या सवाल के क्या? हाँ। ये ऐसे सवाल आपको पूछने ही चाहिए, क्या आप यहाँ एक एंकर हैं? अच्छा, मुझे देश के बारे में आप बात कर रहे हो, सवाल क्या पूछ रहे हो? मैं सवाल इस, सर आप कम्युनिकेट ओवैसी नहीं कर पाते। ओवैसी साहब क्या हैं क्या नहीं है आप जानते हो, देश जानता है, सभी जानते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तो आपकी पार्टी को मुस्लिम समुदाय की पार्टी मान ब्रांड कर दिया गया, ब्रांड कर दिया गया, और उसमें भी मुस्लिम समुदाय भी आपके साथ नहीं है, तो वही और वो सब आपने होने और वो सब आपने होने दिया, वो सब आपने होने दिया। आपने ये कहा कि ब्रांड कर दिया गया, कर दिया गया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2014 में हारे और 2019 में हारे, ये रियलिटी है, और भाजपा जीती ये भी रियलिटी है। अब 2024 में क्या होगा ये तो जनता ही बताएगी, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? अच्छा, वो लोग आपको 1947 के हिस्ट्री में ले जाते हैं, मैं वहां नहीं ले जा रहा। मैं एक सवाल जो बार बार कई एनालिसिस में आता है कि शाहबानो के केस में जो कानून, नहीं नहीं सुनिए सर, आप शाहबानो के जब केस आया था मैं कांग्रेस पार्टी में ही नहीं था। अच्छा चलो, अब मैं आपको जवाब दूं, अब आपको शाहबानो नहीं, पर शाहबानो केस में जो हुआ उसकी वजह से ये देख रहे हैं क्या नहीं हुआ, भगवान जाने क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। अरे यार, भविष्य में जो मुद्दे हैं, भविष्य के मुद्दों के बारे में बात कीजिए, इतिहास से हम कुछ नहीं, इतिहास में क्या, इतिहास की ना हमको समझ है ज्यादा, ना आपको ज्यादा समझ है, मुझे तो समझ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में क्या निर्णय किस समय लिए गए वो उस समय की स्थिति को जानने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बेबुनियाद इतिहास के ऐसे सवाल पूछोगे उसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बात आगे की करो कि कल क्या होने वाला है, कल हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, उनको स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी। सारे विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, विश्व भर में आ रही है, हमारी जो उद्योगपति हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है क्योंकि अदरवाइज वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। हमारी जो संख्या है वो 130 करोड़ है, बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। हमारा जीएसटी में वो पैसा नहीं आ रहा, डायरेक्ट टैक्सेस में पैसा नहीं आ रहा, बड़ी बुरी हालत है। आप भविष्य के बारे में बात कीजिए ना, आप बात शाहबानों की बात शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके मन में आपकी सोच क्या है। आप देश के हित में बारे में बात करेंगे या कोई हमें खड़े करने की बात करेंगे? मैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं, मैं जवाब दूं, क्या 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 देश के सामने सवाल क्या है? प्रदूषण, हम सांस नहीं ले पा रहे दिल्ली में, पिछले 5 साल में क्या किया सरकार ने? मैं लगातार सांस नहीं ले, बसें नहीं आ नहीं रही, सारी पुरानी बसें खराब हो चुकी हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम किसानों के प्रति, क्या हो रहा है? के सामने सवाल ये सारे उठाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, यही मैं आपसे कह रहा हूं। हम प्रयास कर रहे हैं ना भैया, आपके नजरिए से हम ठीक नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास हो सका हम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तो लड़ने वाले में से हैं, हम तो रोज भाषण देते हैं इसी बात पे बात करते हैं, हम रोज विरोध करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, एक दौर ऐसा होता है जिंदगी में, ऐसे दौर आते हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है भैया, ऐसी बात नहीं, उसके नीचे आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उसके इंतजार नहीं कर रहा, मैं वैसे ऊपर जाने की, लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहा हूं, जो नीचे रहता है वो ऊपर भी जाता है, ये लॉ ऑफ नेचर रहता है ना, हो जाएगा, आप फिक्र ना करो, आपका ठीक ठाक रहेगा।
कोशिश तो करिए, हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे आप, कोशिश तो कीजिए। हाँ कोशिश हो रही है, आप फिक्र ना। कैसे कोशिश हो रही है जब ये, अरे यार जब ये, हम कह रहे हैं कोशिश हो रही है। जब नहीं, जब जब जनता देखती है कि एक पार्टी जो नेशनल लेवल पे ऑपोजिशन थी पिछले 5 साल में, वो अभी भी उतनी कमजोर है, और फिर उसी लीडरशिप की तरफ जा रही है, नई लीडरशिप निकल के नहीं आ रही, नए थॉट्स निकल के नहीं आ रहे, वही बातें आप बार बार कर रहे हो, तो इसलिए ये सवाल उठता है कि अगर इसी तरह से आप करते रहोगे, वही राहुल गांधी रहेंगे, वही प्रियंका गांधी रहेंगी, वही आप लोग कहते रहोगे। ये हम पे छोड़ दो ना यार, आप फिक्र ना करो, हम लीडरशिप उभरेगी, आप फिक्र ना करो, 2024 तक लीडरशिप उभरेगी, खूब विरोध होगा, ये सरकार जाएगी, हम प्रयास करेंगे, अब जनता क्या तय करेगी नहीं करेगी वो तो वक्त ही बताएगा, आप फिक्र ना करो इस बात का, आए कोई चिंता में, आप चिंता अपने भविष्य बच्चों बेटों ग्रैंड चिल्ड्रन की करो, हमें उनकी ज्यादा फिक्र है। अभी आपके शहर के चुनाव हैं, आप दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, वहां देखो बीजेपी कितना अच्छा करेगी, अब वहां बीजेपी अच्छा नहीं करेगी। मैं पूछ रहा हूं, आप क्या मोदी को रिजेक्ट कर दिया दिल्ली ने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, दिल्ली हां या ना, दिल्ली ने, हां दिल्ली ने बीजेपी को रिजेक्ट किया पिछली बार, दिल्ली ने बीजेपी को रिजेक्ट किया पिछली बार, बिल्कुल किया, मोदी जी को इस बार रिजेक्ट करेगी दिल्ली में, होने दीजिए, होने दीजिए चुनाव, तो यही मैं आप कहां है, मैं यही कह रहा हूं होने दीजिए, वो 67 पे है, वो 3 पे है, आपने 3 में है ना 13 में, होने दीजिए, मैं भी कह रहा हूं होने दीजिए, मैं वो 67 पे है, वो 3 पे है, आप कहीं नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल बाकी कहां है, कहीं है, पंजाब में गया खत्म हो गया, राजस्थान में गया खत्म हो गया, महाराष्ट्र में गया खत्म हो गया, तो चल डोंट वरी, तो चलता रहता है, केजरीवाल यहाँ स्ट्रांग है वहां नहीं है, इस पे खुश हो लीजिए, बीजेपी वहां स्ट्रांग है, अरे भैया हर जगह में बदलता रहता है ना, पहले बीजेपी थी अब केजरीवाल आ गया, बीजेपी को क्या हुआ, मोदी जी बड़े भाषण देते थे, क्या हुआ, अच्छा ये सब चलता है, राजनीति में चलता है, और अब और भी है कुछ, हाँ अच्छा बताइए, पुराना इतिहास नहीं प्रेजेंट, अच्छा चलिए अगर ये सब चलता है तो आपके वोटर को जिसको बीजेपी को वोट नहीं देना है, अगर कोई भी एंटी बीजेपी वोटर है, उसको जैसे ही दूसरा ऑल्टरनेटिव मिलता है वो क्यों ले लेता है, उसको यहाँ केजरीवाल मिलते हैं वो उनको ले लेते हैं, वहां जेडीयू मिलते हैं उनको ले लेता है, या आरजेडी मिलती है उसको ले लेता है, थोड़ा इतिहास पढ़ोगे ये भी गलत है, कई जगह पे उसको ऑल्टरनेटिव मिला, उसने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, एनीवे छोड़ो, भविष्य की बात करो भैया, अच्छा आपका कांग्रेस का भविष्य क्या बताइए, बहुत बढ़िया भविष्य है, बहुत बढ़िया है, फिक्र ना करो आप, नहीं हमारी फिक्र क्या, आप छोड़ दीजिए, नहीं क्यों छोड़े, हाँ आप फिक्र कर रहे हो इसलिए क्यों छोड़े, हम आपकी आप फिक्र कर रहे हो, हम आपकी फिक्र का भविष्य, मैंने कहा ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अगर हार भी होती है कोई बात नहीं, तो क्या क्या होगा अगले, आपकी क्या तैयारियां, कुछ पता तो चलता नहीं, तैयारी है सभी जगह, तैयारी है, कौन कह रहा है तैयारी नहीं है, दिल्ली में क्या तैयारी आपकी, दिल्ली भी तैयारी हो रही है, नया अध्यक्ष बनाया हमने, खूब काम हो रहा है, आप डेब्यू भी कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि जीरो से ऊपर भी नहीं, आपको लगता है कि नहीं डेब्यू होगा, आपने पहले ही तय कर लिया, नहीं हमने काम तय कर लिया, ठीक होगा, ठीक होगा, फिक्र ना करो, ठीक होगा मतलब कि मजबूत विपक्ष बनेंगे यहाँ पे, सरकार बन रही है, उसकी अगर 66-67 है तो हमारी 67 तो नहीं हो सकती ना, लेकिन अच्छी सीटें आएंगी, फिक्र ना करो, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, संतुष्ट हो, आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, आप बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके साथ जाएंगे, किसके मतलब वहां भी जा सकते, कौन हमारे साथ आएगा, कौन किसके साथ जाएगा, मैं नहीं कह सकता, तीन है सर, आम आदमी पार्टी, जब बीजेपी, जब वो स्थिति आएगी तो आप उस समय सवाल पूछ लेना भैया, वो मैं आ जाऊंगा दोबारा, आम आदमी पार्टी करी, हमें कांग्रेस के साथ जाना ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपके अच्छी बात है, फिर वो सरकार नहीं बना पाएंगे, सीधी बात है, अगर और बेहतर हम उनके साथ जाएंगे या नहीं ये हम तय करेंगे, और ये आप पक्का कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बना पाएगी, बिना कांग्रेस की क्यों बात करते हो आप, मैं कहता हूं वो अकेले में सरकार नहीं बना सकती, अब हम उनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो हम तय करेंगे, वो हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे वो तय करेंगे, भाजपा अकेली रहेगी वो तय करेंगे, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कांग्रेस की, बहुत बहुत बड़ी कमजोरियां, बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं, बहुत ताकत, बहुत बहुत ऐसी भी बातें हैं जिनसे ताकत भी मिलती है, तो कमजोरियां भी हैं और ताकतवर बात भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, कमजोरी तो हर चीज में, मेरे में भी कमजोरी है, आप में भी है थोड़ी बहुत, हम तो हर शख्स में कमजोरी हाँ। होती है, हर नेता में कमजोरी होती है, हर दल में कमजोरी होती है, और वातावरण में भी कमजोरी होती है, आप लिरिक्स भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, अभी जो स्थिति है आपकी पार्टी की उस पर कोई शेर है आपके पास, मैं आपकी मीडिया पे कुछ लिख सकता हूं, आप बता देना हाँ। अगली बार बता दूंगा जो स्थिति है आपकी सर,
थोड़ा सा आईना देख लीजिए, दूसरों को ही दोष डाल रहे हैं आप। हम मैं किसी पे दोष नहीं डाल रहा यार। अच्छा, मैं तो आपसे आग्रह कर रहा था कि सवाल ऐसे पूछो जो जनता से जुड़े हुए हों, जो हिंदुस्तान के भविष्य से जुड़े हुए हों। सर, आप विवाद दूसरों को सवाल बताते बताते खुद जवाब ही भूल गए। आपने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में क्या कहा, ये कुछ सवाल होता है? अरे फैसला आ गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई, इतिहास खत्म हो गया, आगे बढ़ो। आप तो मतलब ऐसे लग रहा है कि आप कोई कंस्टिट्यूएंसी को देख के ऐसे सवाल पूछ रहे हो। आपको नहीं करना चाहिए ऐसी बात। चलिए, हमें नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। चलिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने, हमसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत, और हमें बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे थे आपको बताने की आपको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।